रे 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 भाई भाई भाई, अरे भयंकर, ये क्या है, ये कौन सा पहाड़ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह के जगह से, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। और आज हम लोग के साथ है ड्यूक 250, जो कि ये भी मेरा दोस्त का, मेरा नहीं है गाइस। और आज जा रहे हैं हम लोग थोड़ा लॉन्ग राइड पे। तो गाइस, यहाँ पे चेन टाइट हो रहा है अभी पे, मतलब कि चेन बहुत ज़्यादा ही लूज है इस गाड़ी का, पूरा ख़त्म हो चुका है, कूलेंट का काम हो चुका है, अब ज़्यादा लगा नहीं, बस देख सकते इतना थोड़ा सा ही कूलेंट लगा, वो बाइक पे भी लगा, वो उस पर भी लगा, इस पर भी थोड़ा लगा। तो गाइस, अब हम लोग निकलने वाले हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ओम भैया यहाँ पे अभी निकलेंगे अभी। तो गाइस, ये लोग भी शायद इधर से ही निकलेंगे, हमको भी मोड़ना पड़ेगा गाड़ी, फिर से मिल चुका है कोई। बोला जाता है ना गाइस, अपना चीज़ का अपना ऐसे ही ध्यान रखा जाता है, देख सकते हैं वो मेरा बैग उसको दिए पर वो नहीं लिया। यहाँ पे फ्यूल अप होगा, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। फ्यूल अप हो चुका है गाइस, जैसा कि देखे आप लोग, हीट फ्यूल से ज़्यादा हीट है अभी गाड़ी। भैया ओके गाड़ी पे गाइस, उसके बाद हम लोग वाला पे लगेगा। गाइस, आज कौन कौन सा बाइक जा रहा है आज राइड पे, एक ड्यूक 250 है, एक RS 200 है, NS 200 है, और एक V3 155 का होता है। तीनों का तीनों ही राइड पे जा रहा है, दुमका से भागलपुर जा रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ राइडर है, मतलब कि भाई लोग हैं, वो लोग भी हम लोग को ज्वाइन करेंगे, मतलब कि माने तो हम लोग शायद पे, हमको भी नहीं पता कि क्यों जा रहे हैं, मेरे को जैसा लगता है उन्हीं लोग के पास ही जा रहे हैं। हवा बहुत बेहतरीन चल रहा है गाइस, यहाँ पे मज़ा आ रहा है, मतलब कि मौसम अभी थोड़ा हार्ड वाला था, अभी पे थोड़ा चिल्ली चिल्ली किया है, हवा भी बड़ा मस्त मस्त बह रहा है। अभी देखते हैं गाइस इसका माइलेज क्या दे रहा है, मतलब कि हम इस पे सेट कर दिए, पता नहीं कौन सा मोड, मतलब मोड नहीं है इस पे, बताता है जो कितना माइलेज देता है, देखते कितना माइलेज निकाल रहा है अभी ये पे ये गाड़ी। हो गया गाइस, यहाँ पे हवा वगैरह सब हो गया, अब निकलते हैं हम लोग। अब निकलते गाइस यहाँ से, पेट्रोल पंप पे हम लोग, हवा वगैरह सब हो चुका है। निकलते गाइस अब हम लोग, कितना बजे टाइम था और कितना बजे हम लोग निकल रहे हैं, 10:30 से प्लस हो चुका है अभी पे। मेरे ख्याल से हसडिया होते हुए हम लोग जाएंगे, अब देखते किस रोड से भैया जाते हैं। हाँ वही लग रहा है, बड़ा बहुत भयंकर वाला स्पॉन्च ही हो चुका है इसका, मतलब कि सस्पेंशन है ना, भयंकर वाला स्पॉन्च कर रहा है, एकदम लप 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 लप, पूरा भयंकर स्पॉन्च ही हो गया। आई, 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 आई। अभी पे नॉर्मल ही चलेंगे गाइस, देखते हैं। अब निकल चुके फाइनली हम लोग वहाँ से, मतलब कि दुमका से, अब थोड़ा देर दुमका आगे से ख़त्म होने वाला है, थोड़ा आगे से उसके बाद एक दो बार काम था इसमें गाइस, वो करवा के हम लोग निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये चल चुका था गाड़ी और उस पर काम नहीं हुआ था। जिस तक आई के वो बोला है अभी तक पे ये बाइक का 4 बार माने तो एक्सीडेंट हो चुका है, ब्रेक लग ही नहीं रहा आगे का, अब काम किया, अभी आगे का ब्रेक रुक चुका था एकदम। इस तरह चलने पाए मेरे को उतना मतलब कि फील नहीं आ रहा, क्योंकि इसके वजह से मेरा कमर थोड़ा लग रहा है, अकड़ टाइप में लग रहा है। अब रेस राइड स्टार्ट होगा उसके बाद मज़ा आएगा, जैसे हुआ था अगले बार तो, हाय वो राइड था भयंकर वाला। ये मारो से हम लोग लेफ्ट राइट लिए, क्योंकि लेफ्ट चले जाता है जामा के ओर, हम लोग को जाना है राइट, राइट जाता है भागलपुर, हसडिया, गोड्डा और पता नहीं कहाँ कहाँ, देख सकते हैं चाचा यहाँ इंडिकेटर दिखाया कहाँ जा रहे हैं।
पूरा बबल कर रहा है अभी सस्पेंशन हम लोग का। अब नॉर्मल पे ही हौले हौले चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सस्पेंशन ये हो जा रहा है। भैया का भी स्पॉकेट थोड़ा हिल रहा है, मतलब कि मेरे पे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं उस पर भी है, लेकिन इसका स्पॉकेट बहुत ज़्यादा चल गया। वो अभी पे जहाँ पे ये किया ना सर्विस, वहाँ पे बोला जो बहुत ज़्यादा इसका घिस चुका है, इसलिए इसको चेंज करवाना पड़ेगा। पता चल गया तभी पे ही जो क्या होने वाला है, इसलिए पहले पे हम कूलेंट डलवाने गए, क्योंकि डब्बा पे कूलेंट का डब्बा पे पूरा साफ साफ दिख रहा जो कुछ नहीं है, कूलेंट है ही नहीं। मुझे डर लगता है ये सब करने से। मिल गया निमायदा का गोतिया, मिल गया यहाँ पे। तेरा बड़ा भाई था ना? अरे मौसी का भाई था। अभी पे थोड़ा रेस्ट भी हो गया गाइस, हम लोग यहाँ रुक भी गए। ये इसका सस्पेंशन का भी प्रॉब्लम पता चल गया, क्योंकि हमको घर से ही लग रहा था जब पे वॉश किया ना, तब पे यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे लीक जो हुआ है ना पूरा का पूरा गिरा हुआ था, पूरा गिर रहा था, तो हमको तभी पे ही लगा जो कुछ ही तो खड़बड़ है। पूरा ये स्पॉन्ज कर रहा है, भयंकर वाला। ठीक है, हम फिर पे इसको सेट किए वही मोड पे। किधर गया? हो जा भाई, हो जा। फिर चेंज हो गया, ये रहा कितना किलोमीटर पर लीटर बताता है, पर पे अब देखते हैं। फिर ये ऑफ हो जाता है, सिर्फ लिखाता है एबीएस फेलियर। हेलो गाइस, ये है निमायदा। गाइस ये बहुत स्लो काम करता है, देख सकते हैं सब रेडी है, हम लोग भी पूरा रेडी है, और ये देख रहे अभी पे कैमरा सेट ही कर रहा है। हम लोग निकल रहे गाइस, फिर ये देखिए स्लो ही रहता है, हमेशा स्लो ही रहता है, किस चीज़ का वजह है पता नहीं। और एक व्यू देख सकते हैं गाइस यहाँ से इस पहाड़ का, बंद हो जा भाई। ऐसा स्पीड ब्रेकर कहीं देखे गाइस? ये स्पीड ब्रेकर है यहाँ का, मतलब कि लग रहा है रोड कोड़ के वहीं पे दिया गया है, साइड साइड जो गड्ढा है वो सब कोड़ के उसी पे डाल दिया गया है, इतना बड़ा बड़ा होल था। और आगे पे और एक ऐसा है, और भयंकर, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा पहाड़ है? देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा रोड क्या हो चुका है। हाल बीच से निकलने का कोशिश, वहाँ पे भी मिल गया स्पीड ब्रेकर, देख सकते हैं गड्ढा, थोड़ा इसको रिपेयर करना चाहिए, नहीं तो फिर पे देखिएगा जरमुंडी वाला कांड, यहाँ पे सुना मिला उसके बाद रोड रिपेयर किया जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस क्या ही हरियाली हरियाली है, यही कहलाता है झारखंड गाइस। हाल तो बेहाल हो चुका है, पर बाइक वाला के लिए, स्कूटी वगैरह साइकिल वगैरह वाला के लिए सही है, क्योंकि उतना अभी नहीं कुछ हुआ है, बस थोड़ा सा आगे जाके ही हो गया। रेलवे ट्रैक बन गया पर रोड नहीं बना, ना ही पुल बना, सोचिए जो मतलब कि उनको काम था जो जल्दी था वो कर दिए, बाकी बर्बाद कर दिए। आगे पे बन चुका है, अरे सब चीज़ यहाँ लग चुका है, लेकिन यहाँ पुल अभी तक सही रेडी नहीं हुआ, ट्रेन चलता नहीं है शायद पे, यहाँ रेड सिग्नल अभी भी है। हाँ तो दिखाए बिना इंडिकेटर दिखाए घुसा दिया। अरे रे 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 भाई भाई भाई। A few moments later. नहीं ना, अभी वो टोटो वाला पीछे नहीं देख रहा था, डायरेक्ट से काट रहा था, हम लेफ्ट साइड घुसा के जाने वाले थे उस साइड से, लेकिन वो देख ही नहीं रहा था, उसके वजह से हमको इस साइड पे ही जाना पड़ा था, जिससे अभी भी हम निकलते इस रोड से। देख सकते हैं इधर का रोड का हाल। अरे कहाँ घूम रहा है तुम? वहाँ पे हम लोग मतलब कि गाड़ी वहाँ पे लगाए थे नाश्ता करने के लिए, वहाँ नाश्ता दुकान मिला वहाँ पे सही वाला, क्योंकि हम पहले पे वहाँ पे भी नाश्ता किए और अभी पे भी करने का वहीं सोचे, इसीलिए वहाँ से यहाँ गाड़ी लगाने के लिए रखे थे, तो कुछ बोले ना दुकानदार, इसी की वजह से यहाँ से बाइक लेके जा रहे गाइस, अब वहाँ पे लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हो गया, हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से। देख सकते हैं ये नाश्ता दुकान, हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत अच्छा नाश्ता यहाँ पे कराता गाइस। हम लोग हसडिया पे पहुँचे थे, अब हसडिया से निकल रहे हैं। नाश्ता बहुत ही बेहतरीन था यहाँ का, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं इसलिए हमको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि टेस्ट पता है हमको यहाँ का, वाकई पे बहुत अच्छा है।
देख सकते हैं यहाँ पे इधर पे साइड साइड पे झालमुड़ी हमेशा मिलता ही रहता है, लेकिन यहाँ का हो सके कम ही खाने का कोशिश करें, क्योंकि देख सकते हैं कितना धूल उड़ रहा है यहाँ पे, और सब वो ऐसे ही रहता है, खुला ही रखता है। तो यहाँ पे जितना हो सके उतना ना खाने का कोशिश करें। देख सकते हैं इस बच्चा का रिएक्शन, देखे होंगे अभी आप लोग।